हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के टॉप करंट अफेयर से कौन से सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनके कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में बंदरों को एक वर्ष के लिए हिंसक जानवर घोषित कर दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। मंत्रालय की घोषणा के बाद शिमला के स्थानीय अधिकारियों को गैर वनीय क्षेत्रों में बंदरों को मारने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको यही बता दें कि इस फैसले को लेकर काफ़ी सारे संगठन जो पशुओं के अधिकार में काम करते हैं, पशुओं के लिए काम करते हैं, उन्होंने काफ़ी विरोध भी जताया। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में देनी है कि वन्य जीव अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार अनुसूची 1-2 के अतिरिक्त अन्य जंगली जानवरों को निर्दिष्ट क्षेत्र एवं अवधि के लिए हिंसक जानवर घोषित कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बंदर हैं उनकी प्रजाति रीसस मकाक इन्हें कहा जाता है और ये राज्य सरकार की रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि ये जीवन और संपत्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका विरोध भी हो रहा था और ये एक घटना तो अभी आपकी हाल ही में हुई है, इससे पहले भी उत्तराखंड में हमने देखा था जहाँ पर जंगली सूअरों को हिंसक घोषित कर दिया गया था। यहाँ पे 13 ज़िलों में कई सारे ऐसे तहसील थे जहाँ पे उनको मारने की अनुमति दी गई थी। ये उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ जो इससे पहले हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने 34,422 करोड़ रुपए की किस योजना की शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुसुम योजना। तो जो दोस्तों ये जो कुसुम योजना है उसका आपको मैं फुल फॉर्म बता दूं, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस योजना के तहत साल 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता यानी कि सूर्य से जो बिजली पैदा की जाती है उसको स्थापित करने का लक्ष्य बनाया गया है। और कुसुम योजना के तहत देश भर में सिंचाई के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा और इससे होने वाली जो सभी जो डीजल और बिजली के पंप हैं उनको सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना बनाई जा रही है। और यहाँ पर आपको दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि आम बजट 2018 और 2019 का जो आम बजट था उसमें भी इस कुसुम योजना की बात कही गई थी, उसकी घोषणा की गई थी। और ये किसानों को सिंचाई के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है देखा गया है, तो इसके चलते ये स्टेप उठाया गया है कि इस योजना को शुरुआत की जाए जिससे कि किसानों को सिंचाई करने में अपने खेतों में मदद मिल सके। और ये अभी देखा है हमने हाल ही में कि कई बार बारिशें सही समय पे नहीं होती हैं तो इससे भी जो खेत होते हैं उसमें जो फसल होती है उसको वो सही से नहीं हो पाती है बारिश की वजह से। तो ये जो योजना है ये काफ़ी मददगार साबित होगी। यहाँ पर किसानों को दो बड़े फ़ायदे भी होंगे। यहाँ आपको बता दें कि सिंचाई के लिए तो एकदम ये फ्री बिजली आपको मिलेगी ही मिलेगी किसानों को इससे, और दूसरी बात यह है कि अगर अतिरिक्त बिजली मिलती है तो जो किसान हैं वो ग्रिड को इसको भेज सकते हैं और उनको इसके बदले कमाई भी हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको और भी करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट www.jagranjosh.com पर जा सकते हैं। यहाँ के करंट अफेयर्स सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो करंट अफेयर सेक्शन में आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा। उस ड्रॉप डाउन में आप जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी हमने बताया हुआ है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी हमने आपको महीने के हिसाब से दिया हुआ है। अगर और भी कैटेगरी वाइज आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसमें हमने कैटेगरी बनाई हुई है अपनी वेबसाइट पर, लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी इकोनॉमी इस तरह की कैटेगरी है, उसके हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मंथ वाइज पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो जुलाई जून मई अप्रैल इस तरह से हर महीने के हिसाब से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी कैबिनेट में किसे गृह मंत्री का पद दिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रीति पटेल। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी 13 समय के बाद अब बोरिस जॉनसन ने यह पद संभाला है। तो प्रीति पटेल ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बन गई हैं। यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है कि ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि पहली गृह मंत्री कौन बनी, तो वो प्रीति पटेल बनी ब्रिटेन में। और प्रीति पटेल ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ यानी कि ईयू से बाहर होने के पक्ष में 2016 के जनमत संग्रह की अगुवाई में वोट लीव अभियान चलाया था। वो ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर को अपना आदर्श मानती हैं।
जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी हाल ही में बोरिस जॉनसन ने औपचारिक रूप से ये कार्यभार संभाला है और हाल ही में वो बकिंघम पैलेस में भी क्वीन एलिजाबेथ से मुलाकात करने भी गए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति में म्यूजियम बनाने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, दिल्ली। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि इन संग्रहालयों में प्रधानमंत्रियों के निजी जीवन से लेकर राजनीतिक यात्रा से जुड़ी हुई सामग्री और संवादों को संभाल कर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा जो है अभी हाल ही में करी है, जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी किताब चंद्रशेखर द बेस्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का विमोचन करने के गए थे। और ये किताब आपको बता दें किसने लिखी है, ये किताब लिखी है हरिवंश और रविदत्त वाजपेयी ने साथ मिलकर ये किताब लिखी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सांसद व पूर्व फुटबॉलर प्रसून बनर्जी और राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य केशव दत्त को साल 2019 में किस पुरस्कार से नवाजा जाएगा? इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहन बगान रत्न। 29 जुलाई को दोस्तों मोहन बागान क्लब के स्थापना दिवस पर इस सम्मान से दोनों पूर्व खिलाड़ियों को, जिसमें कि आपके प्रसून बनर्जी और जो आपके केशव दत्त हैं, इनको सम्मान मिलेगा। और यहाँ पे ये बता दें आपको कि जो प्रसून हैं वो पूर्व फुटबॉलर रहे हैं और जो केशव दत्त हैं उन्होंने 1948 और 1952 के ओलंपिक की जो विजयी टीम थी, हॉकी की टीम थी, उसका वो हिस्सा भी रहे हैं। अगर हम प्रसून वाजपेयी की बात करें तो खेल में योगदान के लिए इनको अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। टीम इंडिया की जर्सी पर ओप्पो मोबाइल के बाद अब किस कंपनी ने नाम प्रदर्शित करने के अधिकार खरीदे हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ओप्पो मोबाइल है, आपने भी देखा होगा कि हाल ही में जो खिलाड़ियों की जो जर्सी होती है उस पर जो सबसे बड़ा नाम, जो सबसे बड़ा ब्रांड नेम लिखा होता है वो लिखा होता है ओप्पो। और ये ओप्पो एक चाइना की कंपनी है, मोबाइल कंपनी है। और अब जो बायजूस कंपनी है, अब उसका नाम आपको इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसकी जर्सी पर दिखाई देगा। ओप्पो ने मार्च 2017 में 5 साल के लिए 1,079 करोड़ रुपए में यह अधिकार खरीदा था। अब बेंगलुरु की जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल फर्म है जिसे हम बायजूस के नाम से जानते हैं, अब उसकी स्थान पे ओप्पो के स्थान पर बायजूस का नाम नज़र आएगा। आगामी वेस्ट इंडीज़ दौरे तक ओप्पो का नाम ही रहने वाला है टीम इंडिया की जर्सी पर। इसके बाद जो भारत के जो दौरा होगा साउथ अफ्रीका का, वहाँ पर बायजूस का नाम आपको दिखाई देगा। अभी जो वेस्ट इंडीज़ का टूर होने वाला है उसमें T20 मैचेस भी खेले जाने हैं, उसमें ODI मैच भी खेले जाने हैं और उसमें टेस्ट मैच भी खेले जाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आपको तो ओप्पो ही नज़र आएगा भारतीय खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की जर्सी पर, लेकिन इसके बाद जो साउथ अफ्रीका का दौरा है वहाँ पर आपको बायजूस नाम नज़र आएगा इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ट्राई ने अक्टूबर 2016 में रिलायंस जियो को इंटरकनेक्टिविटी सुविधा नहीं देने के कारण दंड स्वरूप एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर कितना जुर्माना लगाया है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 3,050 करोड़ रुपए। दोस्तों भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन दोनों कंपनियों पर जुर्माना लगाने का फैसला ट्राई का था, जिसे हाल ही में दूरसंचार विभाग की सर्वोच्च निर्णायक संस्था डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन यानी कि DCC ने मंजूरी दे दी है। जियो का आरोप है कि इंटरकनेक्टिविटी नहीं देने की वजह से उसकी जो 75% कॉल्स हैं वो फेल हो रही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान ने वृद्ध लोगों के लिए केयर फॉर यू नामक AI ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT खड़गपुर। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि वृद्धावस्था में देखभाल के लिए IIT खड़गपुर के छात्रों ने एक मोबाइल ऐप को विकसित किया है। इस ऐप के द्वारा अब जो बुज़ुर्ग हैं उनकी देखभाल करी जा सकेगी। अब वो किस तरह से करी जा सकती है वो आइए आपको बता देते हैं। यहाँ पे अगर कोई वृद्ध व्यक्ति कहीं गिर जाता है रोड पे चलते हुए, रास्ते में चलते हुए, या फिर अगर घर में ही है, तो उसका पता इस ऐप से चल जाएगा और उनकी लोकेशन की सटीक जानकारी भी मिल जाएगी। इस ऐप के द्वारा अगर देखभाल करने वाले जो वृद्ध जन हैं उनको कनेक्ट किया जा सकेगा आसानी से। इसमें कई सारे AI फीचर्स भी मौजूद हैं दोस्तों। जैसे AI आप जानते ही हैं कि AI हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति गिर जाता है तो उसके देखभाल करने वाले व्यक्ति को तुरंत उसको
कॉल भी चली जाएगी। इसके अलावा वृद्ध व्यक्ति के मूड का भी पता रखने के लिए इसमें फीचर्स जोड़े गए हैं कि जैसे अगर ऐप खोला जाएगा तो वृद्ध व्यक्ति की तस्वीर अपने आप ही रिकॉर्ड हो जाएगी। दोस्तों, हमारा एक सेक्शन ख़त्म होता है जहां पर आप हमने आपसे पिछले वीडियो में जो सवाल पूछा था उसके जवाब हम जानेंगे और इससे कुछ जुड़े हुए की फैक्ट्स को भी जानेंगे। भारत के किस संस्थान के छात्रों ने कृषि संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए स्मार्ट एग्रीकॉप्टर बनाया है? आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में इसका सही जवाब दिया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास के छात्रों ने स्मार्ट एग्रीकॉप्टर ड्रोन बनाया है जिसे खेतों में हाथ से कीटनाशक का छिड़काव खत्म किया जा सकेगा और कैमरे का इस्तेमाल करके फसल के स्वास्थ्य का भी पता चलेगा। इससे पहले के मुकाबले 10 गुना तेज़ी से और 100% सटीकता से ये काम करने वाला है। अब दोस्तों, एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। तो सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे देश का नया गृह सचिव बनाया गया है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन बी देवेंद्र पाल सिंह, ऑप्शन सी अमिताभ चक्रवर्ती, ऑप्शन डी सोमेश दास गुप्ता। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो पर कॉमेंट करना ना भूलें और यूँ ही देखते रहें जागरण।